जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया चैनल्स के द्वारा अब ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह को किसी भी प्रकार का कोई भी जहर नहीं दिया गया था, उनके विसरा से कोई भी जहर बरामद नहीं हुआ, जिसके चलते कई लोग अब फंसते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें दोस्तों खुद सुशांत सिंह के परिवार वाले ही हो सकते हैं। और सबसे पहले तो वो हो सकता है जो एम्बुलेंस ड्राइवर था सुशांत सिंह का, जिसने सुशांत सिंह की निधन अवस्था में शरीर को हॉस्पिटल तक लेकर गया था, क्योंकि उसने कई ऐसे दावे किए थे उस समय जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे। उसका कहना था कि सुशांत सिंह का पैर टखने के पास से मुड़ा हुआ था, शरीर पे कई प्रकार के निशान थे, उसके शरीर को पीला पड़ चुका था, जिसमें कहा जा रहा था कि उसको जहर दिया जा सकता होगा, यानी जहर ही दिया गया होगा, जिसकी वजह से शरीर पीला पड़ चुका था, दाग धब्बे पड़ चुके थे शरीर पर, और टखने के पास से पांव मुड़ा हुआ था, और गले पे जो निशान थे उसको देखकर तो सभी हैरान थे, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया था कि उनकी किसी ने जान ली है। लेकिन अब एम्स की जांच और रिपोर्ट से कुछ सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह को कोई भी जहर नहीं दिया गया था। तो ऐसे में एम्बुलेंस ड्राइवर जिसने इतने बड़े बड़े खुलासे किए थे, दावे किए थे, साफ साफ बातें बताई थी, तो वहीं सुशांत सिंह का परिवार जिन्होंने रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया था कि उनके बेटे की जान रिया चक्रवर्ती ने जहर देकर ली थी, और सुशांत सिंह के गले में पड़े निशान को लेकर भी सीबीआई टीम से खुलासा करने की मांग की थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर लगे ये आरोप जो अब झूठे साबित होते हुए नजर आए हैं। तो वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर का वो आरोप जिसके चलते वो उन दिनों सुर्खियों में था, अब वो भी गलत पाया गया है। तो ऐसे में क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है गलत और झूठा बयान देने के आरोप में, क्योंकि बयान जब तक सच नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता। तो ऐसे में सिर्फ एकमात्र पुख्ता सबूत लगता था हाथ, तो वो थे बचे हुए 20% बिसरा की रिपोर्ट्स, जो कि अब सुशांत सिंह के पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि सुशांत सिंह के शरीर से कोई जहर नहीं मिला है, खबरों के मुताबिक यही खबर अब सामने आई है। तो एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर सुशांत सिंह के परिवार काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में फंस सकते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए सुशांत सिंह का परिवार लगातार आवाज़ ऊँची रखे, जिसकी मदद से सुशांत सिंह के निधन की गुत्थी को सुलझाया जा सके। अब जहर नहीं दिया गया था तो आखिर किन कारणों की वजह से सुशांत सिंह ने अपनी जान दी थी, या उनकी जान किन कारणों की वजह से ली गई थी, अब ये जांच सीबीआई टीम करती हुई नजर आएगी और उनकी जांच का रुख भी बदलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।